यहाँ तो ऐसे विद्वान है ऑटो पायलट तोड़ के सरकार चलाने का, उनको आती है। इस कॉन्डक्ट इज नॉट अप्रोप्रिएट। उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत में सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। Fireworks in the Rajya Sabha as the entire opposition, including Naveen Patnaik's Biju Janata Dal, walked out in the middle of the Prime Minister's address. The provocation, Chairman Jagdeep Dhankar refused to grant permission to Leader of Opposition Mallikarjun Kharge to intervene during the Prime Minister's address. His conduct is not appropriate. At the time, PM Modi was attacking the opposition over the constitution, saying unlike them, his government saw the constitution as a guiding light. आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, इस देश में कांग्रेस संविधान की सबसे बड़ी विरोधी है। उसके जहन में झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। उनकी आदत है झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना। संविधान तो आप नहीं बनाए, संविधान के आप विरोधी थे। कौन संविधान के फॉर थे, कौन संविधान के खिलाफ थे? वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। इनकी इज्जत रखना, प्रधानमंत्री हो या सदन के प्रमुख हो, इनकी जिम्मेदारी थी। मगर आज ये सब नजरअंदाज किया, पूरा खुद से हम बाहर आए। In his Rajya Sabha address, the Prime Minister attacked the opposition on a range of issues. The Prime Minister brought up the flogging of a couple in Bengal at the hands of a man close to the local TMC MLA. तस्वीर रोंगटे खड़े करने वाली है। और जो अपने आप को बहुत बड़े प्रगतिशील नारी नेता मानते हैं, वो भी मुंह पे ताले लगा करके बैठ गए। Prime Minister Modi, accused by the opposition of being silent on the Manipur ethnic clashes, blamed the opposition, saying they were taking advantage of a fragile situation. मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे आगाह करता हूं कि ये हरकतें बंद करें। प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने सदन के अंदर सदन को भ्रमित किया है और पूरे देश को आज उन्होंने ये सबूत दिया है कि वे मणिपुर के बारे में कुछ नहीं जानते। The Prime Minister also took a swipe at Sonia Gandhi, who has often been accused by the BJP of running the Manmohan Singh government from behind the scenes. ऑटो पायलट मोड पे सरकार चलाने का, या तो रिमोट पायलट पर सरकार चलाने का उनको आदी है, इसलिए वो कुछ करना धरना में विश्वास नहीं करते। The attack and the counter attack between the government and the opposition continues. This clearly is not a good sign for parliamentary democracy, and both will need to sit down and work together in the coming days if parliament has to function properly. Sunil Prabhu, NDTV.